फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला। काफी दिनों से मैंने रेसिपी कोई भी शेयर नहीं किया आप लोगों से प्रॉपर, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं चिकन निहारी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो निहारी सुनकर आप लोग, तो अधिकतर लोग आप लोग समझते होंगे निहारी सिर्फ मटन या बीफ का होगा, लेकिन नहीं, चिकन का भी निहारी बनता है, जो कि अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने खाया था। तो हम लोगों ने वहाँ के सेफ से ही पूछा इसकी रेसिपी और आज आप लोगों के सामने वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो बने रहे हमारे साथ और ये रेसिपी बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनने वाला है। इसमें कुछ कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चिकन निहारी बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले जरूरत पड़ेगा चिकन का। तो ये देखिए मैंने इस टाइप का पीस लिया है। इसमें ज्यादा मतलब फ्लैशी पीस होना चाहिए, ज्यादा मीट होना चाहिए, हड्डी वाले कम होने चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा ले लिया है, ये करीब 250 ग्राम से थोड़ा ज्यादा ही है। और ये देखिए, और हाँ, इसमें सबसे मेन काम है कि इसे धो के साफ करके और पानी में भिगोकर छोड़ना है। मतलब जब तक हमारा मसाला तैयार होगा तब तक ये पानी में भिगेगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है ये अनियन। ये मैंने 4 पीस अनियन लिया है, उसे बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है। ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कट किया हुआ है। और ये 2 बड़े साइज का टमाटो है, उसे मैंने इस साइज में कट किया है। और इसमें जरूरत पड़ेगा कुछ मसालों का गार्निशिंग के लिए। मसाले में ये लहसुन अदरक का पेस्ट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है ये मसाला, ये है नूरी का निहारी मसाला। ये और भी कंपनी का आता है लेकिन इधर जहां मैं रहती हूँ यहाँ सबसे फेमस मसाला है ये, यही है इसकी जान। मतलब ये निहारी अगर बनता है और इसमें अगर रियल टेस्ट आता है तो इसी मसाले से आता है, नूरी मसाले। मैं कोशिश करूंगी कि इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर ले लेंगे, उसमें हम ये जितने भी अनियन हमने स्लाइस किए हैं वो डाल देंगे, ये टमाटोस भी डाल देंगे इसमें ही, कुछ मसाले जाएंगे जैसे ये जीरा का पाउडर है 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच मैंने डाला, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले बस। और अब जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, और अब जाएगा इसमें तेल, ये भी 2 बड़े चम्मच के आसपास मैंने तेल डाला है। और अब जाएगा ये नूरी मसाला, और ये जो निहारी मसाला है ये 40 ग्राम का है, और 40 ग्राम हमें 1 केजी गोश्त में डालना, मतलब चिकन अगर 1 केजी है आपका तो आप 40 ग्राम डालें, लेकिन हमारा करीब 250 ग्राम के आसपास है तो हम इसमें 10 ग्राम के आसपास मसाला डालेंगे। अंदाजे से 4 पार्ट्स में डालकर डाल देती हूं। और अब डालूंगी मैं इसमें नमक, और अब इन सारे मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम मिलाएंगे 1/2 कप के आसपास इसमें पानी, बस थोड़ा सा पानी ताकि ये आसानी से मिल जाए हमारा। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, अब हम इसे लॉक करेंगे और 2 विसल आने तक इसे कुक करेंगे ताकि ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो अच्छे से गल जाएं। अब कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया, अब हम उसे देखते हैं कि इसकी क्या हालात हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गल चुका है। अब इसे हमें थोड़ी देर इस तरीके से मैश कर देना है और फिर चढ़ा देना है फिर से गैस पे भुनने के लिए। तो अभी देखिए ये प्याज थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, तो इसे हम ढक के बनाएंगे ताकि प्याज हमारा अच्छे से गल जाए। ये देखिए तेल ऊपर आ गया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। चिकन को देखिए ये पानी में रखने से थोड़ा व्हाइट व्हाइट सा हो गया, पानी थोड़ा सोख लिया है चिकन, अब हम इसे ऐड कर देंगे। अच्छे से मिला लेंगे,
इसे भी ढककर हमें इसे पकाना है बहुत देर तक। और इसमें अभी थोड़ा सा भी पानी नहीं ऐड करेंगे हम। और निहारी का जितना भी प्रोसेस होगा वो बहुत ही सेम फ्लेम पे होगा। और इसे ढक ढक कर पकाना है हमें, ताकि जब तक चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से गल ना जाए इसे हमें पकाना है। और इसमें जो मसाले हैं, जो भी प्याज है, टमाटर, जो भी हमने डाला है, वो बिल्कुल स्मूथ एक पेस्ट का टेक्सचर ना ले ले, तब तक हमें इसे पकाना है। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे ताकि मसाला हमारा चिपके नहीं। जब तक निहारी पक रहा है तब तक हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा आधा कटोरी पानी लिया है और ये आटा है। आटे की जगह आप चने का, जो भुना हुआ चना होता है, उसे भी पीस कर ले सकते हैं, सत्तू भी ले सकते हैं। और ये सब कुछ नहीं है तो आप मैदा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहूं का आटा। इसे घोल के डालने से इसका लम्प्स नहीं बनेगा। अब हम देख लेते हैं निहारी का क्या हाल है। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट चिकन कुक हो चुका है। और अब हम इसी स्टेज में डालेंगे ये जो घोल हमने तैयार करके रखा था, ये डाल देंगे। घोल डालने से क्या होगा कि जितने भी मसाले हैं हमारे वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, एक स्मूथ पेस्ट सा तैयार होगा। और जो तेल है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, जितने भी तेल हमने डाले हैं, रोगन जो भी चिकन छोड़ा है वो सारे ऊपर आ जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिर इसे ढककर पकाएंगे। और एक साइड मैंने पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है गर्म पानी। जब भी हम इसमें ग्रेवी के लिए डालेंगे, जितना भी थिक हमें चाहिए, तो हम गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे। कोई भी नॉन वेज हो, ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए उसमें। अगर आप बीच के प्रोसेस में अगर पानी मिला रहे हैं तो ठंडा पानी कभी ना डालें। अब यहाँ देख सकते हैं पूरा तेल ऑयल जो भी हमने डाला था बिल्कुल ऊपर की तरफ आ गया और चिकन भी ऑलमोस्ट गल गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, जितना हमें थिक ग्रेवी चाहिए उतना पानी मिलाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा भी पानी नहीं जाता है, मतलब थोड़ा थिक थिक ही रहेगा। और ये पानी भी देखिए बिल्कुल बॉइल्ड हो गया है, इतना ही होना चाहिए बॉइल्ड। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें पानी। बिल्कुल एक कप के आसपास मैंने इसमें पानी मिलाया। अब इसे चेक करते हैं, ऑलमोस्ट पक गया है, चिकन भी गल गया है, मसाला भी बिल्कुल जैसा होना चाहिए थिक वैसा हो चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले थोड़ा सा धनिया पत्ती जो है हम इसमें साथ में मिला देंगे, ताकि इसका फ्लेवर भी इसमें मिल जाए। और ऊपर से तो हम गार्निश करेंगे ही। और यहाँ पर हमारी निहारी आके लग गई है और इसके साथ हम खाएंगे ये मोटी वाली रोटी, ये वाली रोटी। और ये देख सकते हैं इसका गलन बहुत अच्छे से गल गया, एकदम सॉफ्ट। और इसका टेस्ट बिल्कुल इसके मसाले में है। तो ये थी आज की रेसिपी जो कि थी निहारी। सभी को पसंद आया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा ये। और एक चिकन का अलग सा आइटम है और इसे बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं है, बस 2-3 स्टेप में ये तैयार हो जाता है। बस इसमें टोटल टाइम कंज्यूम होता है लगभग 1 से 1.25 घंटा लग जाता है। इसमें टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है ज़्यादा, लेकिन जब टाइम लगे, सब्र हो, स्वाद तो आएगा ही। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। तो लेते हैं क्विक सा रिकैप। पहले ले लेना है एक कुकर
और उसमें डालना है प्याज, अनियन फाइनली चॉप्ड किया हुआ, और साथ में ही टमेटोज, और इसमें जितने भी मसाले जाएंगे अभी ये जाएंगे। ये मैंने ले लिया है जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं कलर के लिए, और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, साथ में कुकिंग ऑयल ले लिया है, और अब जाएगा इसमें निहारी मसाला। और अब मैंने डाल दिया है इसमें नमक स्वाद के अनुसार, और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम थोड़ा सा पानी डालकर इसका लिड लगाकर और दो विसल तक इसे हमें पकाना है। अब देखिए ये विसल लग गए हैं, अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से गल गए हैं। इसे अच्छे से मैश करके और सिम पर हमें फिर से इसे पकाना है ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। पकने के बाद ये चिकन जो हमने पहले से भिगो के रखा था पानी में वो अब ऐड कर देंगे इसमें, और अब चिकन गलने तक हमें इसे फिर से सिम पर ढककर पकाना है। और साथ में ही हम एक घोल तैयार करेंगे आटे का, और इस घोल को जब चिकन गल जाए तब हमें इस घोल को इसमें ऐड करना है। और अब हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि हमारा ये जो घोल है और मसाला दोनों अच्छे से पक जाए। और पकने की निशानी है कि सारा तेल ऊपर दिखने लगेगा। और अब हम डालेंगे इसमें गर्म पानी, जितना हमें थिक पेस्ट रखना है इसका ग्रेवी का उतना हमें पानी डालना है, और उसके बाद थोड़ी देर और पकाना है। तो बस तैयार है हमारा एक यम्मी टेस्टी डिलीशियस चिकन निहारी। यू मस्ट ट्राई इट।